जी स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। और आप सभी को पता है ये जो आज का सेशन है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आप सभी को इसमें 500 अराउंड क्वेश्चन टारगेट कराने वाला हूँ। 500 क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। 500 क्वेश्चन जो है हमारे आज होने वाले हैं, दिमाग में रखिएगा। इस क्लास में अगर आप आ रहे हैं तो कंटिन्यूटी बनाए नहीं रखने की, क्योंकि 500 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है, 2 घंटे एग्जैक्टली चाहिए। तो 2 घंटे लगातार ये क्लास चलेगी, शेयर कर दो एक बार इस सेशन को, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 2 घंटे लगातार चलेगी, 500 क्वेश्चन है। जितनी कंटिन्यूटी बनाए रखोगे उतना अपना फायदा लोगे, ठीक है। जितना ज्यादा कंटिन्यूटी बनेगी उतना ज्यादा फायदा होगा। शेयर कर देना एक बार इस सेशन को, मजा आ जाए जिससे की, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, जल्दी से शेयर करेगा। 8 बजे स्टार्ट करते हैं, 10 बजे खत्म करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है, और इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से करेंगे। नमस्कार सभी को, जोश बढ़ा लो अपना और आंसर देना स्पीड में, जिससे कि हम टारगेट कर सके। जितने ज्यादा बल्क में क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, दिमाग रखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और उसके बाद रात को 10:30 बजे क्लास होती है, आपको पता ही है, तो रात को 10:30 बजे क्लास लेना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप इन 500 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन भी सही नहीं कर सकते। लीजिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो रात को 10:30 बजे क्लास जरूर देखिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं रात को 10:30 बजे क्लास जरूर देखिएगा। और मेरा जो कोर्स है SSC में 6:30 बजे स्टार्ट हो चुका है, बेस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट जो मिल सकता है GK का, वो आपको लाइव अमन रेफर कोड यूज करके मिल जाएगा। और डिफेंस का कोर्स 4 बजे स्टार्ट हो चुका है, 4 PM पर। आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी पे अमनदीप शर्मा सर्च करना है और जुड़ जाइएगा, ठीक है। अनअकैडमी में सर्च करिएगा, फॉलो करिएगा प्रोफाइल को, 6:30 बजे SSC लाइव अमन रेफर कोड और डिफेंस एग्जाम लाइव अमन रेफर कोड, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, स्टार्ट किया जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, शैल वी स्टार्ट नाउ, जल्दी से एक बार कमेंट करिएगा, जोश आना चाहिए भाई, जल्दी से शेयर करना जिससे कि सारे के सारे बच्चे जुड़ सके। जल्दी से एक बारी जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है, जल्दी से। लीजिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने पहली बार कहां पर अरेस्ट किया था? कितना प्यारा सवाल है कि भैया महात्मा गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार देशद्रोह के आरोप पे गिरफ्तार कहां पे किया था? अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में बेस्ट क्वेश्चन होंगे। 500 के 500 क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट होंगे ये। अगर आपने 500 क्वेश्चन कर लिया ना, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, दिमाग पर रखिएगा, 500 क्वेश्चन के लिए बेस्ट होंगे। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है, गांधी जी को सबसे पहली बार अहमदाबाद में अरेस्ट किया गया था, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, अहमदाबाद में अरेस्ट किया गया था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डिड गांधी जी अराइव इन चंपारण? चंपारण में एग्जैक्टली कौन से वर्ष में आए थे महात्मा गांधी जी? जो चंपारण आए थे वो कौन से वर्ष में आए थे, कमेंट करेगा, कौन से वर्ष में महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे, जल्दी से बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा, ठीक है। आंसर क्या है, देखो चंपारण से हमें 1917 आसपास याद आता है, ठीक है, चंपारण से हमें 1917 याद आता है। तो भैया अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी जी आए थे चंपारण, और चंपारण इनका सबसे पहला सत्याग्रह है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, सबसे पहला सत्याग्रह जो अगर आपसे बोला जाए महात्मा गांधी जी का, तो दिमाग पर रखिएगा, सबसे पहला सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था वो चंपारण में किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सत्याग्रह। कंटिन्यूटी बनाए रखना, क्लास में मजा तभी आएगा। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एस्ट्रॉइड? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एक और औसम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि पूरी दुनिया में सबसे पहला जो एस्ट्रॉइड है, ठीक है, धूम ग्रह जो शुद्र ग्रह जो है पाया गया था, उसका नाम है वन सेरस। इसका नाम क्या है? वन सेरस। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो वन सेरस है किसके द्वारा खोजा गया था, जल्दी से बताएगा, ये वन सेरस किसके द्वारा खोजा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वन सेरस किसके द्वारा खोजा गया था? आंसर क्या है बच्चे, दिमाग पर रखिएगा, ग्यूसेप पेजी जो है इनके द्वारा, किसके द्वारा? ग्यूसेप पेजी के द्वारा दुनिया का सबसे पहला एस्ट्रॉइड, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला एस्ट्रॉइड जिसका नाम वन सेरस है, ये खोजा गया था। महत्वपूर्ण सवालों में से एक, आपके पेपर में आने वाले सवालों में से एक, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन द इंडिया? जल्दी से बताएगा, अच्छा क्वेश्चन। भारत में ऐसा कौन सा, ठीक है, उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है? जल्दी से बताएगा, भारत में सबसे ज्यादा पानी अधिकतम किसमें यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा खपत किसमें होती है, बताएं भाई, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, पेपर पल्प और थर्मल पावर? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर करिएगा सेशन को जल्दी से। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है सभी क्लासेस के लिंक के लिए, सभी क्लासेस की PDF के लिए। मैं हमेशा 8 बजे पढ़ाता हूं मेरी क्लास। अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, इस पे 8 बजे जुड़ जाना,
8 बजे देख लेना कि हाँ अमन सर की क्लास डेली मंडे टू संडे 8 बजे होती है, और इतने ही क्वेश्चन मैं डेली कराता हूँ। मंडे टू संडे 8 बजे ये क्लास होती है, डेली की क्लास है ये, ठीक है, डेली की क्लास है, इस टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाएगी। आंसर क्या है इसका, थर्मल पावर में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, थर्मल पावर में सबसे ज्यादा पानी खत्म। एक और खतरनाक क्वेश्चन, धासु क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, ये धासु क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के कौन से अधिनियम के तहत पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में आया था, जल्दी से बताएगा, भारत में जो संसदीय प्रणाली है, भारतीय जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश सरकार के कौन से अधिनियम के तहत लागू की गई थी, कमेंट करेगा, और सेशन को धीरे धीरे लाइक भी करना है, बराबर लाइक कर दो, ठीक है, 2 घंटे चलेंगे अपना। आंसर क्या इसका, क्वेश्चन 5th का आंसर क्या है, इजी क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं संसदीय प्रणाली का कहां पे होगा, या तो 1861 होगा या तो 1892 होगा, अब आंसर आप बताएं इसमें से क्या है, 1861 या 18, ठीक है, पीडीएफ इसमें मिलेगी 500 क्वेश्चन की, पूरी कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, जोड़ लेना, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत, प्यारे दिमाग पर रखिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में आया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में आया था, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट पोज प्लूटो टू लोअस, जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा प्लैनेट है, जल्दी से बताइएगा, जिसकी वजह से प्लूटो ने अपना जो प्लैनेट का स्टेटस है, देखिए आप सभी जानते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पहले प्लूटो एक प्लैनेट था, अब प्लैनेट नहीं है, सवाल पूछा जा रहा है किसकी वजह से अब प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ऐसा किसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से प्लूटो प्लैनेट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन शेरोन भी ऑप्शन में आ सकता है, शेरोन सैटेलाइट है, ठीक है, प्लूटो की, जिसकी वजह से ये क्या है प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर हुआ था, ठीक है, अब ये प्लूटो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है, प्लूटो नाउ इज ड्राफ्ट प्लैनेट, ठीक है, ड्राफ्ट प्लैनेट है अब प्लूटो, ठीक है, दिमाग रखिएगा, प्लूटो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 आ सकता है पेपर में, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, और सारे धीरे धीरे क्लास को कंटिन्यूटी 2 घंटे देखो, और साथ के साथ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूरिकेन यानी कि तूफान जो होते हैं वो कितने डिवाइडेड है, कितनी कैटेगरी है, कितनी श्रेणी है तूफान की, जल्दी से बताएगा, ह्यूरिकेन की कितनी, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, हीरो क्रेन की कितनी श्रेणी है, कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, हीरो क्रेन की कितनी श्रेणी है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भाई जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में, श्रेणी कितनी है, ये तूफान है, समुद्री तूफान की कितनी श्रेणी होती है, कमेंट करिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आपको, वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आंसर क्या है बच्चे, दिमाग पर रखिएगा, 5 श्रेणी है समुद्र तूफान की, 5 श्रेणी है, ठीक है प्यारे, दिमाग पर रखिएगा, समुद्र तूफान की 5 श्रेणी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियर टू द अर्थ, जल्दी से बताएगा, अर्थ के नियर बाय कौन सा प्लैनेट है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोला जाए कि ये जो अर्थ है हमारी, जो पृथ्वी है उससे सबसे नजदीक अगर मैं बोलूं तो इसमें से कौन सा ग्रह है, जल्दी से कमेंट करिएगा, कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार, सबसे नजदीक एक ही प्लैनेट है, ठीक है, आंसर क्या है, वीनस इसका आंसर है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, पहली बात तो इसे हम अर्थ का ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिए, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है वीनस को, ठीक है, ये वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, आपसे बोला जाए कि सबसे क्या बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट भी यही है, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक है, फेस लाइक मून अगर पूछा जाए कि फेस लाइक मून जो है किसका है, फेस लाइक मून, ये भी इसी का है, ठीक है, ये भी इसी का है, तो वीनस के ऊपर बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, और अर्थ के सबसे नियर बाय भी वीनस है, ठीक है, दिमाग रखिए, वीनस से रिलेटेड ये सब चीजें पूछी जाती हैं, शुक्र ग्रह से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं, अच्छा क्वेश्चन था, इसकी इंफॉर्मेशन आपको सारी बतानी चाहिए, ठीक है, दिमाग रखिए, सारे क्वेश्चन नए मिलने वाले हैं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का, अ स्टार विच अपियर ब्लू, ठीक है, जल्दी से बताएगा वो किस तरीके का होगा, सन से रिलेट करें, अगर कोई तारा है तो वो ब्लू कलर का है तो उसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो सन से
ठंडा होगा, सन से गर्म होगा, देखिए सन के बराबर उसका टेम्परेचर होगा, जल्दी से बताएगा। अगर एक स्टार नीले कलर का दिखाई दे रहा है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और शेयर करेगा सेशन को सभी के सभी। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है बच्चे दिमाग में रखिएगा, अगर एक स्टार नीले कलर का दिखाई दे रहा है ना, तो भैया वो उस सन से भी ज्यादा हॉट है। सवाल को याद रखना, तारे का जो कलर होता है वो उसके तापमान पर आधारित होता है। सवाल आता है कि स्टार का कलर किस पर आधारित होता है, तो तापमान पे आधारित होता है। ठीक है, अगर सन से ज्यादा तापमान है तो वो नीले कलर का होगा। ठीक है, दिमाग पर, इससे अच्छा क्वेश्चन आ नहीं सकता, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सन से भी ज्यादा अगर तापमान है तो वो नीले कलर का होने वाला है। ठीक है, सन क्या है हमारा, रेडिश येलो कलर का है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, देखो यार आप अभी आप 1000 बच्चे देख रहे हो, 1000 बच्चे हैं, तो भैया 600-700 प्लस लाइक बनते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से लाइक भी करते जाओ, सेशन में माहौल बने। 2 घंटे पढ़ना, आराम आराम से लाइक करेगा, आराम आराम से शेयर करेगा, 2 घंटे पढ़ेंगे और उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है, मस्त क्वेश्चन कराऊंगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चन। ब्रिटिश अधिनियम के तहत कौन से में फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट लाया गया था, फेडरल कोर्ट जो कंसेप्ट है ये कौन से में लाया गया था, आंसर क्या है जल्दी से बताएगा। फेडरल कोर्ट संघीय जो न्यायालय है, ठीक है, इसका कंसेप्ट किस में लाया था, कौन से अधिनियम में लाया गया था, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताएं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है जल्दी से बताएगा। ठीक है, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10th का, फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट किस में लाया गया, आंसर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। फेडरल कोर्ट जो है ना, समथिंग डेट इज ओल्ड, फेडरल कोर्ट हमारे समय का नहीं है, बहुत पहले बन गया था, तो भैया ये 1935 के अधिनियम से आया। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, 1935 के अधिनियम से आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी अभी मैं 1000 लाइक कर दो, ठीक है, अभी अभी मैं 1000 लाइक कर दो धीरे से एक बार। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मुश्किल है थोड़ा सा। Who among the following ब्रिटिशर डिप्लोमेट, जो कि क्या बोलते हैं, जेम्स वन के द्वारा भेजे गए थे और कहां पे भेजे गए थे, जहांगीर के कोर्ट में भेजे गए थे। ठीक है, किसके द्वारा, जेम्स वन के द्वारा भेजे गए थे और कहां पे, जहांगीर के कोर्ट में भेजे गए थे। सवाल पूछा जा रहा है कौन से डिप्लोमेट है, जल्दी से बताइए कौन से डिप्लोमेट जेम्स वन एम्परर के द्वारा जहांगीर के कोर्ट में भेजे गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के कोर्ट में किसे भेजा गया, थॉमस मुनरो या थॉमस रो को या फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस को, कमेंट करेगा, सारे क्वेश्चन गलत कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, सारे क्वेश्चन गलत कर देंगे, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आज आप 2 घंटे रुकते हो और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हो ना, आपको आज तक के सबसे बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आंसर क्या है, थॉमस रॉय इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, थॉमस रॉय इसका आंसर है, याद रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस नहीं है। कैप्टन विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में गए थे, लेकिन जेम्स ने नहीं भेजा था, जेम्स ने थॉमस रॉय को भेजा था, याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत मत करिएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में गए थे, लेकिन जेम्स वन ने नहीं भेजा था उन्हें, जेम्स वन ने थॉमस रॉय को भेजा था, कैप्टन विलियम हॉकिंस को नहीं भेजा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, गलत होता है। कार्टिजन प्रोटोकॉल, एक और नया क्वेश्चन, कार्टिजन प्रोटोकॉल कौन से वर्ष में आया था, जल्दी से बताएगा, कार्टिजन प्रोटोकॉल कौन से वर्ष में आया था, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा। ठीक है सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, भैया पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी 2 घंटे बाद। ठीक है, दिमाग करिएगा, कार्टिजन प्रोटोकॉल कौन से वर्ष में आया, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर 2008 में। ठीक है, दिमाग करिए, कार्टिजन प्रोटोकॉल कौन से वर्ष में आया, 2008 में आया था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, अब एक और क्वेश्चन बताओ, इससे उत्सम भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड रिसीव्ड एज अ डाउरी टू द चार्ल्स सेकंड, जल्दी से बताएगा, चार्ल्स सेकंड को, ठीक है, दहेज के तौर पर कौन सा आइलैंड गिफ्ट किया गया था, जल्दी से बताएगा, कौन सा आइलैंड गिफ्ट किया गया था, जल्दी से बताएगा, चार्ल्स सेकंड को दहेज के नाम पर कौन सा आइलैंड गिफ्ट किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मुंबई जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दहेज कह सकते हैं हम। ठीक है, दिमाग पर गया, मुंबई जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दहेज है, क्योंकि ये डाउरी के रूप में चार्ल्स सेकंड को दिया गया था। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा दहेज कह लो, ठीक है, मुंबई को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास है, 2 घंटे लगातार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास है, A to Z, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हर एक एग्जाम में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, नया क्वेश्चन, एक और जल्दी से बताइएगा,
प्लैनेट का नाम बताइएगा जो कि रोमन देवता के नाम पर है, ठीक है, कृषि के रोमन देवता जो है, रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर है, उनके नाम पर रखा गया। कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो सारे के सारे, मजा आना है, अभी दो घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, सैटर्न शनि ग्रह है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, शनि ग्रह जो है रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर है, इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर। दिमाग में रखो, एक प्यारा सा प्रिज्म अगर मैं बनाऊं तो ये व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड करता है। ठीक है, 7 कलर में डिवाइड करता है प्यारे, तो ये डिस्पर्जन होगा। ठीक है, और ये किसके थ्रू हो रहा है, प्रिज्म के थ्रू हो रहा है, ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है। तो दिमाग में रखिएगा, एक सफेद लाइट 7 भाग में डिवाइडेड हो रही है, तो वो प्रिज्म के थ्रू होती है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, किसके थ्रू, ठीक है, प्रिज्म के थ्रू होती है। और याद रखिएगा, पूरी प्रोसेस क्या है, डिस्पर्जन है, पूरी प्रोसेस क्या है, डिस्पर्जन है, जिसमें ऊपर वाली लाइट जो रेड है और नीचे वाली लाइट जो है वॉयलेट है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, नीचे वाली लाइट वॉयलेट है। क्वेश्चन सारे आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा दो घंटे में आपका, इससे ज्यादा रिवीजन जो और कोई नहीं करा सकता, मैं करा दूंगा आपको दो घंटे में रिवीजन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ भाई, कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है, कौन सा ऐसा शिला लेख है जो कि चोलक्या किंग पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। जल्दी से बताइएगा, कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो कि चोलक्या किंग पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, शेयर करिएगा सेशन को, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, आंसर क्या, अहियोल इसका आंसर है। ठीक है, इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द शेडो ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं एक्लिप्स की बात करता हूं तो शेडो कितने भाग में डिवाइडेड है, एक्लिप्स की बात करी जाए तो शेडो कितने भाग में डिवाइडेड है, 2 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, दिमाग पर रखिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मानव विकास, ठीक है, सूचांक जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फेमस है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में, वर्ल्ड के तौर पर दिया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, दिमाग पर रखिए, कौन देता है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, दिमाग करिए, प्रोग्राम, ठीक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड कराता। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, इस क्लास में अगर आए हो ना तो एक चीज याद रखना, मैं सिर्फ संडे को क्लास लेके आता हूँ 2 घंटे की वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर, लेकिन मैं उसमें जो कंटेंट आपको देता हूँ ना वो आप पूरे हफ्ते भी पढ़ोगे ना तब याद होगा जाके। ठीक है, एक चीज याद रखना, मेरी क्लास जो होती है डेली 8 बजे स्टार्ट होती है। कितने बजे, डेली। मैं ये क्लास मंडे टू संडे करा रहा हूँ। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आप डेली 8 बजे इस टेलीग्राम चैनल पे ओपन करके देख लेना, 8 बजे आपको इतने ही क्वेश्चन डेली मिल जाएंगे, 200-300 क्वेश्चन ऐसे डेली मिलेंगे 8 बजे। याद रखो, ये 8 बजे अब आपको YouTube क्लास लेनी है डेली के डेली, आपकी मर्जी है कैसे भी लो, लेकिन 8 बजे ये क्लास डेली लो। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, When was महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को जो पकड़ा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, वो कौन सी दिन, कौन सी तारीख, कौन से वर्ष में पकड़ा गया था। अच्छा क्वेश्चन, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है बच्चे, प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या भैया, 9 अगस्त 1942 में जो है महात्मा गांधी जी को पकड़ा गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। भाई एक नदी जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है और गंगा के साथ जुड़ रही है, किसके साथ, गंगा के साथ जुड़ रही है। इस नदी का नाम क्या है, सोन नदी है। इस नदी का नाम क्या है, सोन नदी है। याद रखिएगा, क्या नाम है नदी का, नाम सोन नदी है। और ये सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। और आपसे पूछा जाए ये कौन से डैम पे बना हुआ है, तो दिमाग में रखिएगा, रिहांड डैम। कौन सा डैम, रिहांड डैम पे बना हुआ है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, रिहांड डैम है इसके ऊपर। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एंशियंट आयरन एज जो है, प्राचीन लोहा युग जो है किससे संबंधित है। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, एंशियंट इंडिया का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो प्राचीन लोहा युग है ये किससे संबंधित है। आंसर क्या है इसका, दिमाग पर रखिएगा, ग्रे पोएट्री से संबंधित है। ठीक है, ग्रे पोएट्री से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। और मेरी क्लास फिक्स है, मैं मंडे से संडे तक 8 बजे इतने ही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ रात को। अगर आपको जीके के क्वेश्चन कवर करने हैं ना, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन, तो भैया 8 बजे जुड़ जाना मुझसे डेली के डेली। कल भी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, तरसों भी क्लास होगी, डेली 8 बजे इस टेलीग्राम चैनल पर लिंक। ठीक है, फिक्स कर लो। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइड द हिस्टोरिकल लाहौर सेशन जो हुआ था, ये किसके द्वारा
ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, रावी नदी के किनारे, जल्दी से बताएगा, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर सेशन में रावी नदी के किनारे किसके द्वारा की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर सेशन रावी नदी किनारे 1929, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चोला किंग, चोला किंग की कैपिटल कौन सी है, कमेंट करेगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, चोला किंग की कैपिटल कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तंजोर है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, तंजोर जो है चोला किंग की कैपिटल है, ठीक है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन, द मास ऑफ जुपिटर इज ऑलमोस्ट, कितना है बच्चे, दिमाग पर रखिएगा, 1000 ऑफ द मास ऑफ द सन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये हृदय स्कीम जो है किससे संबंधित है, जल्दी से बताएगा, ये जो हृदय स्कीम है किससे संबंधित है, कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हृदय स्कीम किससे संबंधित, देखो इसमें ना ये जो हृदय है ना इसका मतलब क्या होता है, हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, हेरिटेज है, तो भैया डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट, धरोहर जो है हमारे भारत की, उन सभी के विकास के लिए हृदय स्कीम को स्टार्ट किया गया है, ठीक है, आंसर क्या है इसका, डी इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, द मैरीन क्लीफ आर फॉर्म मेनली ड्यू टू, मैरीन क्लीफ जो होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, जल्दी से बताएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पहले आप बस देखो मुझसे जुड़ना है तो बस इतना फिक्स कर लो कि मैं YouTube पे सिर्फ एक ही समय क्लास लेके आता हूँ और वो क्लास का टाइमिंग है 8 बजे, ठीक है, 8 बजे इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मैरीन क्लिफ किससे रिलेटेड है, रात को 8 बजे, ठीक है, मैरीन क्लिफ किससे रिलेटेड है बच्चे, दिमाग में जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किससे संबंधित है, ओशियन करंट से, समुद्री धाराओं से संबंधित है। विच इज द वॉटर सोल्यूबल विटामिन, शेयर करना सेशन को, वॉटर सोल्यूबल विटामिन अगर मैं बोलूँ तो भैया विटामिन सी है। एक और क्वेश्चन, द सोलर कोरोना मेनली कंसिस्ट ऑफ, आसान है, सन का जो आउटर पार्ट होता है ना, समझिएगा, जो सन की जो सबसे आउटर लेयर होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, सन की सबसे आउटर लेयर को हम कोरोना कहते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि कोरोना में क्या होता है, गैस, आइस, मोल्टन लावा और कॉस्मिक रेस। अच्छा क्वेश्चन है, बता इस क्वेश्चन का आंसर, कि आउटर लेयर जो सोलर सिस्टम की सन की है वो है कोरोना, और पूछा जा रहा है कि उसका क्या कंसिस्ट है, किससे बना हुआ है वो, जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई। सेशन को शेयर कर देना सारे के सारे, लाइक कर देना बढ़िया तरीके से, 1000 लाइक होना चाहिए इस समय तक, ठीक है। आंसर क्या है, मोल्टन लावा होता है कोरोना में, क्या होता है, मोल्टन लावा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पिघला हुआ लावा होता है जो कि सबसे हीट प्रोड्यूस करता है, मोल्टन लावा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसको बाद में करेंगे, पहले ये बताओ, भूटान में आज भी क्या है, डिक्टेटरशिप है, राजशाही है, लोकतंत्र है या रिपब्लिक है, जल्दी से बताइएगा, भूटान आज भी क्या है, दिमाग पर रखिएगा, भूटान आज भी राजशाही देश में से एक है, वन ऑफ द ओनली मोनार्की इन द वर्ल्ड इज भूटान, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, भूटान इज वन ऑफ द मोनार्की इन पूरी वर्ल्ड में। हर्षा जो थे, राजा थे भैया, हर्षा ने अपनी जो राजधानी है उसको किससे किसमें बदला, कि भैया पहले एक राजधानी थी उसको बदल के क्या कर दिया, दूसरी राजधानी बता दिया, दिल्ली से दिगरी है या फिर थानेश्वर से कनौज है, जल्दी से बताएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थानेश्वर से कनौज लगा दिया जाए, जल्दी से बताइएगा, क्या थानेश्वर से कनौज लगा दिया जाए, आंसर क्या इसका, दिमाग पर रखिएगा, थानेश्वर से कनौज, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, थानेश्वर से कनौज इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो यार इस चीज को दिमाग पर रखो, रेजिस्टेंस जो है पहली बात आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ सही है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये गलत है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये भी गलत है, तो यार इसमें से तो ए ही आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ए इसका आंसर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ए इसका आंसर है। द ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लड क्लॉट जो है किसकी वजह से होता है, कमेंट करिएगा, ब्लड क्लॉट किसकी वजह से होता है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ब्लड क्लॉट किसकी वजह से होता है, कमेंट करिएगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए आंसर क्या है बच्चे, ब्लड क्लॉट प्लेटलेट्स की वजह से होता है, शेयर करना यार सेशन को, लाइक करेगा, और प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड क्लॉट होता है, अगर चोट लगती है ना प्यारे, ठीक है, तो वो जम जाती है। एक अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है ना कि सर ये किस क्लास किसके लिए है,
भाई ऑल एग्जाम क्लास है और डेली होती है 8 बजे, डेली ऑल एग्जाम क्लास है, डेली मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ अच्छे खासे, ठीक है, कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा जो आपको पेपर में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट, ये फेडरल कोड का था ना अभी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, 1935 में इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, इफ देर इज नो सन द कलर ऑफ द स्काई विल बी, ठीक है, अगर सन नहीं है तो कलर जो होगा स्काई का वो कैसा होगा, बच्चे दिमाग पर, ब्लैक कलर का ऑब्वियसली सन नहीं है तो भैया कोई एटमोसफियर नहीं क्रिएट होगा तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। हाँ भाई, भारत ने कौन से देश को 35, ठीक है, 35 करोड़ रुपए दिए, किनको, फ्रीडम फाइटर ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है, दिमाग करो ये जो बच्चे हैं फ्रीडम फाइटर्स के, कौन से देश के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए 35 करोड़ भारत ने दिए, आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा कौन से देश के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, जल्दी से कमेंट करेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बांग्लादेश इसका आंसर है, सो कॉमन सेंस की बात है, म्यांमार से हमारा कुछ लगता नहीं है, भूटान का कोई स्ट्रगल नहीं है, नेपाल का कोई इतना ऐसा कुछ बड़ा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का स्ट्रगल है, उसके फ्रीडम फाइटर से हम रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इन बिहार गांधी जी एस्टेब्लिश द फर्स्ट बेसिक स्कूल, आएगा, लिख लेना इसको क्वेश्चन को, क्योंकि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत चलते हुए फर्स्ट बेसिक स्कूल जो महात्मा गांधी जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया था, इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आएगा इस पे, ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है, बरहरवा लंकेशन विलेज जो है ये पहला बेसिक स्कूल है, महात्मा गांधी जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, बेसिक स्कूल की थ्योरी, बेसिक एजुकेशन की थ्योरी महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, ठीक है, दिमाग पर रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एक्सहेलेशन, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो जो रिब्स होते हैं हमारे, ये जो पोर्शन होता है रिब्स का, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये बाहर जाता है अंदर, दिमाग पर रखिएगा, मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ से जाता है, जब मैं एक्सहेल करूंगा तो वो क्या है, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा क्वेश्चन है, त्यागे इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जल्दी से बताएगा, त्यागे जो होता है, ठीक है, ये किस तरीके के इकोसिस्टम का उदाहरण है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, 8 बजे क्लास होती है, 8 PM पे क्लास होती है डेली, इसको तो फिक्स कर लो, आप इतने बच्चे देख रहे हो, आप एक चीज जान लो, अगर आप मुझसे 8 बजे डेली पढ़ने आ जाते हो, मेरी क्लास का लिंक मिलता है 8 बजे, ठीक है, डेली क्वेश्चन होते हैं, अगर आप जुड़ जाते हो 8 बजे तो भाई डेली सीखोगे इतने क्वेश्चन, एक भी दिन मिस नहीं करता। आंसर क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नॉर्मल रेंज ऑफ, जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, नॉर्मल रेंज ऑफ, जल्दी से बताएगा, ब्रीथिंग रेट एवरेज पर्सन की कितनी है भैया, 12 से 18 आसान क्वेश्चन है। शोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, शोल्डर किसमें यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है प्यारे, दिमाग पर रखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। आंसर क्या है इसका, लेड और टिन का बनता है, किसका, लेड और टिन का बनता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है, Why it's part of, ठीक है, जल्दी से बताएगा, हाँ भाई, Why it's which part bryophyllum can reproduce, bryophyllum किससे reproduce करता है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, bryophyllum किससे reproduce करता है, लीव से, ठीक है, दिमाग पर रखिए, पत्तियों से। एक और क्वेश्चन है, which of the following statement is false regarding the food, फूड के रिगार्डिंग जो हम खाना खाते हैं उससे संबंधित कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कमेंट करिएगा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या है, देखो यार लिखा है इट गोज थ्रू द केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही, इट इज अ कार्बोनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही, इट गिव्स एनर्जी, बिल्कुल सही, इट इज नॉन कार्बोनिक, जब इधर कार्बोनिक सही है तो भैया नॉन कार्बोनिक तो गलत होगा ना, ठीक है, तो आंसर क्या है, डी इसका आंसर है, नॉन कार्बोनिक नहीं होता फूड, पहली बात तो कार्बन का ही बनता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रॉइड्स को हम और क्या कहते हैं, जल्दी से बताएगा, मैंने अभी बताया था दुनिया का सबसे पहला एस्ट्रॉइड 1 Ceres है, आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रॉइड को हम और क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे दिमाग में रखिएगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ए और बी दोनों कहते हैं, माइनर प्लैनेट भी कहते हैं और स्मॉल स्टार भी कह लेते हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, माइनर प्लैनेट भी कहते हैं और स्मॉल स्टार भी कहते हैं, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर जननी सुरक्षा योजना वास लॉन्च, जल्दी से बताएगा जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च किया गया था, आंसर क्या है, आंसर क्या है, 2005 में। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्ल्ड रैबिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जल्दी से बताएगा, वर्ल्ड रैबिस डे, भाई सेशन को लाइक और शेयर कर देना सारे के सारे, और जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है टेलीग्राम चैनल पे सर्च जरूर कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, जुड़ना जरूरी है, 8 बजे डेली क्लास होती है, ठीक है। आंसर क्या है, वर्ल्ड रैबिस डे 28 सितंबर। आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। पीएच ऑफ लेमन जूस, हमेशा ऑब्वियसली यार लेमन है एसिड है तो लेमन जूस का पीएच तो लेस देन 7 होगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ,
अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट कौन सा है बच्चों, दिमाग को रखिएगा, सन इज द स्टार एंड इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, सन इज द स्टार एंड इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम में जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो किसके द्वारा होती है, जल्दी से बताइएगा किससे मिलती है एनर्जी, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किससे मिलती है, आंसर क्या है बच्चे, सन से मिलती है। इन विच सीजन द प्लांट ग्रो मैक्सिमम, कौन से सीजन में प्लांट सबसे ज्यादा उगते हैं, देखो यार बेसिक है, ठीक है, बेसिक है, प्लांट कैसे उगेंगे, प्लांट को पानी चाहिए ना उगने के लिए, पानी नहीं मिलेगा तो उगेंगे कैसे, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि भैया रेनी, बरसात के मौसम में पानी ज्यादा मिलेगा, इसकी वजह से वो ज्यादा उगेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, पानी मिलने से उगेंगे ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द वर्ड सत्यमेव जयत, ये जो वर्ड है सत्यमेव जयत कौन से उपनिषद से लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, आता है यार ये क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, जल्दी से बताइएगा, वर्ड ये जो सत्यमेव जयत है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर क्या है इसका, ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, दिमाग में रखिए, सत्यमेव जयत ये जो शब्द है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की, ठीक है, अभी मैं क्लास ले रहा था और मैंने पूछा है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, बच्चे दिमाग में रखिएगा, अनय मुदय हिल्स, ठीक है, अनय मुदय हिल्स जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की, अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये आता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, मेटल मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स आर फाउंड इन विच ब्लॉक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ कि भैया ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, जिसमें नॉन मेटल भी है, जिसमें मेटलॉइड्स भी है, कमेंट करेगा आंसर, अगर आपने देखा ना, अगर पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बोलूं तो कुछ इस तरीके का पीरियोडिक टेबल होता है, तो इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में आपको मिलेगा, ठीक है, दिमाग को रखेगा, इस पोर्शन में मिलेगा, ठीक है, तीनों के तीनों चीजें, तो आंसर क्या होगा प्यारे, इसका पी ब्लॉक, क्योंकि ये पी ब्लॉक है, ठीक है, दिमाग करेगा, पी ब्लॉक इसका आंसर है, बेस्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द क्लास है भैया ये, तो ठीक है, आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन लगता है मुझे, विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, जल्दी से बताएगा, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर पेनिनसुलर, ये क्लास बस इतना बताने के लिए लगाई जा रही है कि अगर आप बेहतरीन क्वेश्चन करना चाहते हो तो डेली कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं कि एक दिन स्पेशल, कुछ नहीं है इस क्लास में, ये मेरी डेली की क्लास है, रात को 8 बजे ये क्लास होती है, और इस क्लास का लिंक इसी टेलीग्राम पे मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इस क्लास का लिंक इसी टेलीग्राम चैनल पे डेली मिलता है, डेली मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर इन इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर गोदावरी है भैया लार्जेस्ट, ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, गोदावरी इसका आंसर है, भारतीय संविधान में कौन सी ऐसी बात है जो दुनिया भर में कही नहीं है, भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है, ठीक है, भारत के पार्लियामेंट के द्वारा दी गई है, जल्दी से बताइएगा, भारत के पार्लियामेंट के द्वारा दी गई है, कौन सी ऐसी बात है, जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या है इसका, जीरो आर, ठीक है, जीरो आर जो है ये ऐसा समय है जो कि भारतीय संसद का एक खास हिस्सा है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ भाई, अजंता एंड अलोरा केव किसके समय में, जल्दी से बताइएगा, ये आर्ट किसके समय में डेवलप हुआ, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आर्ट किसके समय में डेवलप हुआ था, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, ये आर्ट किसके समय में डेवलप हुआ, चालुक्यास के समय में, किसके समय में, चालुक्यास के समय में ये आर्ट डेवलप हुआ। एक और क्वेश्चन देखिए, द न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक इज टू प्रमोट द नेशनलिज्म, आंसर क्या है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो न्यूज़पेपर लाई गई उसका नाम क्या है, केसरी है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हमारे बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट में से एक थे प्यारे, दिमाग में रखिएगा, केसरी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल एंड द वॉइसरॉय ऑफ चंपारण सत्याग्रह जब हुआ, ठीक है, आप सभी जानते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, कब, 1917 में हुआ था, ठीक है, अब सवाल ये पूछा जा रहा है प्यारे कि चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था उस समय वायसराय कौन थे, कमेंट करेगा उस समय वायसराय कौन थे, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उस समय सेशन को लाइक शेयर करते जाना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल सारे ज्वाइन करेंगे, ए टू जेड 8 बजे वाली क्लास डेली देखनी है, अभी ये क्लास फिक्स कर दी है मैंने, क्लास 8 बजे होगी, ठीक है, लॉर्ड क्लेमफोर्ड के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नाथुला ये दर्रा है भाई, बहुत फेमस है, इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि नाथुला ये तो दर्रा है ये कहां पे, दिमाग को रखिएगा, सिक्किम में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट एस्टेब्लिश बाय बी आर अम्बेडकर,
बीआर अंबेडकर के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं की गई थी? आंसर क्या है, दिमाग में रखिएगा, जीरो क्लब एस्टेब्लिश नहीं किया गया था। बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, बहुत प्यारी लाइन है यार, इससे बेस्ट लाइन हो नहीं सकती। अगर इस लाइन को कोई समझ जाए ना कि बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, कि आपके बारे में सबसे अच्छी बात आप खुद ही हो, इसको जान लो, इस बात को दिमाग में रखिए। किसके द्वारा कहे गए? अनुपम खेर के द्वारा। व्यक्ति क्या अजीब सा ही निकला, मुझे लगा एपीजे अब्दुल कलाम होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट जो है पूरे वर्ल्ड व्हाइट ब्लड सेल में कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, व्हाइट ब्लड सेल में सबसे ज्यादा क्या है? कमेंट करेगा, व्हाइट ब्लड सेल में सबसे ज्यादा क्या है बच्चों? न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स होते हैं। सबसे मिनिमम बोला जाए ना, सबसे कम कौन सा है? तो यार ये भी याद रखो, मिनिमम का भी पूछा जाता है, मिनिमम का भी पूछा जाता है बोसोफिल्स, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, मिनिमम का भी पूछा जाता है बोसोफिल्स, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, विच डेट वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट नेचुरोपैथी डे? जल्दी से बताएगा, पहला नेचुरोपैथी डे किस दिन सेलिब्रेट किया गया? जल्दी से बताएं, ठीक है, हैप्पी बर्थडे रोहित, ठीक है, आंसर क्या है? 18 नवंबर को। किस दिन? 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रोपेन? ठीक है, जल्दी से बताएगा। देखो यार, क्लोरोप्रोपेन की अगर मैं बात करूं तो अगर देखो मीथेन इथेन, ठीक है, मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, ठीक है, दिमाग में, मीथेन इथेन प्रोपेन, अगर क्लोरो लगा तो एक जगह क्लोरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? 7 है। देखो दोबारा, क्लोरीन एक जगह लग जाएगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 तो हाइड्रोजन होंगे ना, तो इसलिए 7 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट? ठीक है, आसान है ये, आंसर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट ना आई आर स्क्वायर फॉर्मूला नहीं होता, ये आई आर स्क्वायर फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है, बाकी आई स्क्वायर आर भी है, वी आई भी है, और वी स्क्वायर बाय आर भी है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन में से एक है प्यारे, ये दिमाग पर रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, आता है तो धजिया उड़ती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन का कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं ना मिलने वाला, और ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन मिलेगा, ये डेली है, ये डेली की क्लास है 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आप इस टेलीग्राम को देख लेना, सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इस टेलीग्राम पे रोज 8 बजे आ जाया करो, आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का, ठीक है, दिमाग पर रखेगा, ये क्लास डेली होती है मंडे से संडे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा, आगे बढ़ो प्यारे, ये नहीं करना, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्टार्टेड द सत्यमेव जयते, ठीक है, जल्दी से बताएगा, ठीक है, स्वच्छमेव जयते जो है स्कीम कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई, ठीक है, स्वच्छमेव जयते जो स्कीम है किसके द्वारा स्टार्ट की गई? कर्नाटका सरकार के द्वारा। कलीकुंडा जो एयरफोर्स स्टेशन है ये कौन से राज्य में? जल्दी से बताइए, कलीकुंडा एयरफोर्स स्टेशन कौन से, ठीक है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, कौन से राज्य में? वेस्ट बंगाल में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डेक्कन पैसेज, भाई अभी 6:30 बजे जो मुझसे पढ़ रहा था मेरे एसएससी के पेड कोर्स में वो बता सकता है, मैंने अभी बताया था 6:30 बजे और कहा था भैया क्वेश्चन आता है, जो भी 6:30 बजे वाली क्लास का है तो बता दो, उधेड़ दो इस क्वेश्चन को, डेक्कन पैसेज जो है ये किसके बीच में? आसान है क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा, किसके बीच में? साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पैसेज आता है? डेक्कन पैसेज आता है, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, याद रखिएगा, मेरे पेड कोर्सेज लाइव अमन रेफर कोड, इसमें मैं पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसकी, ठीक है, इस कोड को यूज करके अनअकैडमी में जुड़ के आप मुझसे इन सभी की थ्योरी पढ़ सकते हो पूरी के पूरी। विच स्टेट गवर्नमेंट नोज द एमओ बस सर्विसेज उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट की गई? एक और क्वेश्चन देखिएगा, द बर्स्ट ऑफ मॉनसून, सबसे पहली बार जब बारिश की फुहार आती है तो कहां पर पड़ती है? कमेंट करिएगा प्यारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बारिश की फुहार जब आती है सबसे पहले कहां पर पड़ती है? कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है? बारिश की फुहार जब आएगी, यार देखो बारिश जब आएगी ना सबसे पहले या तो इधर पड़ेगी केरला, या तो थोड़ा सा टिप पे पड़ जाएगी, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं जाएगी, तो भैया केरला और सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग करे क्या, केरला और सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इसका आंसर है, ये नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड, 2017 हो गया। फर्स्ट एवर रोबोट जो कि वीनस भेजा गया था, वीनस पर भेजा गया था, कौन सा ऐसा रोबोट है जो कि वीनस पे भेजा गया था? कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर? यार कंटिन्यूटी, देखो इस क्लास में अगर आ रहे हो ना तो आदत बना लो, डेली मुझे 2 घंटे पढ़ना है, जीके पढ़नी है 2 घंटे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं 8 बजे आके, ठीक है, तो दिमाग में रखे, कंटिन्यूटी बनाए रखना। मैगलेन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर,
चंद्रगिरी फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल फोर्ट जो कि 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। सवाल ये पूछा जा रहा है कि चंद्रगिरी फोर्ट कहां पर बनाया गया, कमेंट करिएगा चंद्रगिरी फोर्ट कहां पर बनाया गया, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा चंद्रगिरी फोर्ट कहां पर बनाया गया, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, चंद्रगिरी फोर्ट कहां पर बनाया गया, कमेंट करिएगा आंसर क्या है इसका जल्दी से बताएं। ठीक है आंसर क्या है बच्चे, इसका आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग कोडिफाइड द कंपोजिशन गुरु इनटू आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ में कोडिफाई किसने किया था बच्चे जल्दी से बताइएगा, आदि ग्रंथ में कोडिफाई किसने किया था, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है इसका बच्चे, गुरु अर्जन देव के द्वारा द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे संबंधित है, हियर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे संबंधित है, एनर्जी से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ भाई इंडिया ने रेलवे सेक्टर को डेवलप करने के लिए कौन से देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जल्दी से बताइएगा इंडिया ने रेलवे सेक्टर को डेवलप करने के लिए कौन से देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, और ऐसा नहीं कि इंडिया का फायदा है, इंडिया डेवलप करेगा उस देश का, आंसर क्या है बच्चे श्रीलंका इसका आंसर है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट, ठीक है एचएल दत्तू, ठीक है सॉरी ठीक है रामेशंकर कठारिया, ठीक है एक क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ युगांडा, युगांडा की कैपिटल कौन सी है, आंसर क्या है ठीक है कंपाला इसका आंसर है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ भाई हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या है जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का क्या कोज है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यार देखो एक है मायोपिया दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों पे ही सवाल आने सारे जो आने, ठीक है तो इसका आंसर क्या है बच्चे, फोकल लेंथ जो होता है इसकी बहुत ज्यादा होती है, फोकल लेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसका आंसर ये है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दो बार जो बने हैं वो कौन बने हैं, एस राधाकृष्णन बने हैं दो बार वाइस प्रेसिडेंट। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ भाई ये जो शब्द है स्टेट पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, मेशलिव के द्वारा दिया गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, आयरन रस्ट बिकॉज ऑफ डैश रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन की वजह से, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से आयरन रस्ट करता है, आंसर क्या है बच्चों दिमाग पर, रेडोक्स रिएक्शन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ भाई टोक्यो का अर्लियर नेम क्या था, पुराना नेम क्या था, ईडो नाम था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एम विश्वर्या की जो किताब है द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये कौन से वर्ष में आई थी, कमेंट करेगा एम विश्वर्या की जो किताब है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये कौन से वर्ष में आई थी, आंसर क्या है इसका जल्दी से बताएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जल्दी से बताएं, आंसर क्या है 1936, ठीक है 1936, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैस्ड करेक्टली, आंसर क्या है बच्चे, खजुराहो चंदेला सही है, ठीक है सही मैचिंग है इसकी कि भैया खजुराहो चंदेला के द्वारा, चंदेला राजपूत के द्वारा, मीनाक्षी अगर बोला जाए तो भैया ये साक्यास के द्वारा, महाबलीपुरम पल्लवास के द्वारा और एलोरा राजपूतास के द्वारा, तो क्वेश्चन आते हैं रिलेट करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनन, ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का, केमिकल नेम क्या है बच्चों जल्दी से बताएगा, सेशन को शेयर करिएगा लाइक करिएगा, हर एक बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये डेली क्लास होती है 8 PM पे, ठीक है डेली क्लास होती है कितने बजे 8 PM पे, याद रखिएगा डेली क्लास 8 PM पे, ठीक है दिमाग में रखिएगा 8 बजे डेली क्लास। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो प्यारे आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा कमेंट करिएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर क्या है, ठीक है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है दिमाग में रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला NaHCO3, ठीक है दिमाग करेगा NaHCO3 क्वेश्चन आता है इसका। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कबड्डी इज नॉट द स्टेट गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, राजस्थान का है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है जो हीट फ्लो करेगी एक जगह से दूसरी जगह वो किस पर आधारित है, कमेंट करेगा वो किस पर आधारित है, कमेंट करेगा, देखो यार तापमान पे आधारित होता है, तापमान एक जगह ज्यादा है दूसरी जगह कम है तो भैया डायरेक्शन में तो आएगा ना, हीट फ्लो तो होगा, ठीक है तापमान पे आधारित होता है। एक और क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट, डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट, शेयर करना भाई सेशन को, आंसर क्या है इसका जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर क्या है बच्चे, ठीक है
कैपलर के द्वारा, किसके द्वारा, कैपलर के द्वारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर द बाउंड्री विद नेपाल, नेपाल के साथ कितनी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है, पांच राज्य जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। एक और क्वेश्चन देखेगा, इन विच गेम द नंबर ऑफ प्लेयर्स आर सिक्स, कौन सा ऐसा खेल है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो अब, ठीक है, कौन सा ऐसा खेल है जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर छह है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर छह है, ठीक है। देखते हैं अगर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ राइट इज द राइट टू वोट, राइट टू वोट किस तरीके का राइट है प्यारे, आंसर क्या है, पोटेंशियल राइट है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल राइट है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है, नर बलि जो होती है, ह्यूमन किलिंग जो है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा खत्म की गई थी, जल्दी से बताइए किसके द्वारा ये कंसेप्ट जो है खत्म किया गया था, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं आंसर क्या है बच्चों, ठीक है, हार्डिंग फर्स्ट के द्वारा, किसके द्वारा, हार्डिंग फर्स्ट के द्वारा नर बलि जो है ये खत्म किया गया, ये नहीं कर रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इजरा कप जो है किस खेल से संबंधित है, इजरा कप किस खेल से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है, दो घंटे की क्लास है भाई, और ये दो घंटे की क्लास डेली होती है 8 बजे, ठीक है, दिमाग रखिए, डेली होती है 8 बजे इस क्लास का लिंक टेलीग्राम चैनल में मिलता है, 8 बजे फिक्स कर लो कि 8 बजे क्लास है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पोलो इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा, फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ मार्स में पहुंचने वाले पहले जो, ठीक है, वो कौन है, जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑर्बिट ऑफ मार्स में पहुंचने वाले पहले कौन से, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है बच्चों, इंडिया, भारत पहुंचा है यार, ऑर्बिट ऑफ मार्स में सबसे पहली बार कौन पहुंचा है, भारत ही पहुंचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एनेस्थेटिक, जल्दी से बताएगा कौन सा एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है, कमेंट करेगा आंसर क्या है, एनेस्थेटिक की तरह कौन सा यूज होता है बच्चे, दिमाग में रखिएगा, N2O यूज होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, N2O यूज होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, हर्ष चरित्रा वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा हर्ष चरित्रा लिखी गई थी, आंसर क्या है, दिमाग पर रखिएगा, भानभाटा के द्वारा हर्ष चरित्रा लिखी गई थी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, मिनिमम टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, कमेंट करेगा, मिनिमम टेम्परेचर किस पे मेजर किया जाता है, कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर किस पे मेजर किया जाता है, एल्कोहल थर्मामीटर, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, देखो यार एल्कोहल पे क्यों किया जाता है, इसका भी कारण है, ठीक है, इसका भी कारण है, क्योंकि यार एल्कोहल ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है स्पेसिफिक हीट की वजह से, ठीक है, एल्कोहल ज्यादा सेंसिटिव है, इवेपोरेशन जल्दी होगा तो भैया जल्दी टेम्परेचर को मेजर करेगा, ठीक है, एल्कोहल थर्मामीटर इसलिए यूज किया जाता है। विद द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन द सर्किट टू ब्लॉक द डीसी, बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का जो मैंने आपको एक मेटल नॉन मेटल का बताया था ना, उसके बाद एक जो क्वेश्चन आता ना ऑसम क्वेश्चन, कि भैया कौन सा एलिमेंट है जो कि सर्किट एलिमेंट यूज इन द सर्किट टू ब्लॉक द डीसी, डायरेक्ट करेक्टर को ब्लॉक करने के लिए, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने के लिए इसमें से कौन सा यूज किया जाता है, कमेंट करेगा, इसमें से कौन सा यूज किया जाता है, कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है बच्चे, कैपेसिटेंस को यूज किया जाता है, किसको, कैपेसिटेंस को यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, विद द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, इसका आंसर है लेड। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैस, ठीक है, मीथेन इज ऑल्सो अ, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम द सोयल टू सब सोयल थ्रू द सोयल वाटर, जल्दी से बताएगा, सोयल से सब सोयल में अगर ट्रांसफर करना है मिनरल को तो भैया किसके थ्रू, आंसर क्या है, लीचिंग के थ्रू। एक और क्वेश्चन देखिएगा, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी, अजंता की पेंटिंग कौन सी स्टोरी को दर्शाती है, भाई दिमाग में रखा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये क्लास किसके लिए है, तो भाई ये ऑल एग्जाम क्लास है, पहली बात ऑल एग्जाम क्लास है, पहली बात, दूसरी क्लास ये डेली क्लास होती है 8 बजे, डेली क्लास होती है 8 बजे 8 PM पे, ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात, इस क्लास के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इस पे आपको डेली लिंक मिल जाएगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा, डेली लिंक मिल जाएगा। आंसर क्या है इसका, अजंता क्या दर्शाता है, जातक, ठीक है, ये गौतम बुद्ध जो है उनके, ठीक है, जन्म की कथाएं हैं जातक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बैटिंग और गैम्बलिंग 7वीं अनुसूची में 7 शेड्यूल में कौन सी लिस्ट में आता है, कमेंट करेगा, बैटिंग और गैम्बलिंग कौन सी लिस्ट में आता है, आंसर क्या बच्चे, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, बैटिंग और गैम्बलिंग कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। व्हाट हैपन टू द लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, आंसर क्या बच्चे, लिक्विड बॉयल करेगा, देखो यार जब वेपर प्रेशर इक्वल है, ठीक है, तब क्या होगा, लिक्विड बॉयल ही तो करेगा,
ठीक है, आंसर क्या है इसका, लिक्विड बॉयल ही तो करेगा, आंसर क्या है इसका जल्दी से बताएगा, ठीक है, नॉट अ गल्फ इन इंडियन टेरिटरी, जल्दी से बताएगा इनमें से कौन सा जो भारत के क्षेत्र में गल्फ नहीं है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत के क्षेत्र में गल्फ कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएगा भारत के क्षेत्र में गल्फ कौन सा नहीं, दे आर गल्फ ऑफ अकाबा, नाम ही अलग दिखाई दे रहा है तो भैया ये तो हो नहीं सकता भारत के क्षेत्र में, तो गल्फ ऑफ अकाबा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नहीं करना है क्वेश्चन, करा हुआ है क्वेश्चन, टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, अभी हमने लो टेम्परेचर का किया था और एल्कोहल थर्मामीटर आंसर हुआ था, ठीक है, एल्कोहल थर्मामीटर आंसर होता है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ना हाई टेम्परेचर, अगर मैं हाई टेम्परेचर बोलूँ बच्चे दिमाग में रखेगा, हाई टेम्परेचर के लिए क्या यूज होगा, पायरोमीटर यूज होता है, ठीक है दिमाग में रखिएगा, पायरोमीटर यूज होता है हाई टेम्परेचर के लिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, द एसिड विच फेल टू लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा एसिड है जिसमें से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा कौन सा एसिड है, ठीक है आंसर क्या है, कार्बोनिक एसिड। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पैट्रोनेज के लिए किसे भेजा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब सवाल देखो, पहले जेम्स फर्स्ट था तो आंसर हमने थॉमस रॉय लगा दिया, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी है तो भैया अब आंसर आएगा कैप्टन विलियम्स, कैप्टन विलियम हॉकिंस को भी जहांगीर के दरबार में ही भेजा गया था, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस को भी जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, लेकिन किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है दिमाग को रखिएगा, फैक्ट्री के पैट्रोनोलिज के लिए। एक और क्वेश्चन देखिए, थुंगभद्रा रिवर जो है ये कौन से साम्राज्य के लिए था, ठीक है, कौन से साम्राज्य के पास ये नदी थी, आंसर क्या बच्चों, विजयनगरा एम्पायर, ठीक है दिमाग रखिए, विजयनगरा एम्पायर। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को रिकंसीडर कर सकते हैं, ये सवाल अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को रिकंसीडर कर सकते हैं, पूछा जा रहा है कौन सी जुडिक्शन के तहत, कौन से न्याय अधिकार के तहत, दिमाग में रखेगा एपिलियट जुडिक्शन के तहत, ठीक है दिमाग में रखेगा एपिलियट जुडिक्शन के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है, डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, ठीक है, और बच्चों दिमाग में रखना, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, मेरी एक क्लास है 10:30 बजे, 10:30 बजे क्लास होगी, ठीक है, एक 10:30 बजे क्लास होगी, उस क्लास में जरूर आइएगा, ठीक है, साइंस की क्लास, अगर आप साइंस को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हो, फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो 10:30 बजे टेलीग्राम चैनल पे एक क्लास मिलती है, ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन करना हर एक बच्चा। आंसर क्या है, इस साइंस के क्वेश्चन से याद आया, ठीक है, 10:30 बजे क्लास होगी आज, ठीक है, रात को 10:30 बजे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, कैपेसिटर को यूज किया जाता है, ठीक है, मनिका बत्रा कौन से खेल से संबंधित है, आंसर क्या है, मनिका बत्रा कौन से खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हु कैन बी इन्वाइटेड टू द पार्लियामेंट फॉर द सजेशन और एडवाइस, एक ही व्यक्ति है जो कि, ठीक है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पार्लियामेंट में इनवाइट किए जा सकते हैं, सदस्य नहीं है वो पार्लियामेंट के, फिर भी इनवाइट किए जा सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, द कर्मा डांस बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड द नेबल रेबेलियन अकर, जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेबल रेबेलियन कौन से वर्ष में हुआ, कमेंट करिएगा नेबल रेबेलियन कौन से वर्ष में हुआ, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा, चलिए आंसर क्या है, नेबल रेबेलियन कौन से वर्ष में, 1946 में, ठीक है दिमाग रहेगा 1946 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, जल्दी से बताइएगा, ब्रिक्स का कौन सा सदस्य नहीं है, आसान है क्वेश्चन भाई, सेशन को लाइक करो यार, जितने बच्चे देख रहे हो, देखो आदत बना लोगे ना तो आपका बहुत बेनिफिट है, मैं डेली 300 क्वेश्चन कराता हूँ, डेली 300 क्वेश्चन मेरे डेली के हैं, और क्लास का टाइमिंग क्या है, 8 PM, क्लास का टाइमिंग क्या है, 8 PM डेली, ठीक है, आप बस 8 बजे जुड़ जाओ, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, दो रोज नए क्वेश्चन, ब्रिक्स जो है इसमें कौन सा नहीं आएगा यार, साफ दिखाई दे रहा, आइसलैंड इसका आंसर नहीं है, ठीक है, आइसलैंड इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं, 124 का, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसफर करनी है प्यारे, तो क्या यूज करेंगे, आंसर क्या है, डीएनए यूज किया जाएगा, ठीक है, डीएनए यूज किया जाएगा, डीएनए, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, डीएनए को यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डायरकी सिस्टम सेंटर में कब एस्टेब्लिश किया गया था, जल्दी से बताएगा,
डायरकी सिस्टम सेंटर में कब एस्टेब्लिश किया गया था प्यारे, जल्दी से बताइएगा डायरकी सिस्टम सेंटर में कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1935 में, कब 1935 में डायरकी सिस्टम सेंटर में एस्टेब्लिश किया गया था। एक और क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, कौन से जल्दी से बताएं, किसको, सीवी रमन को, किसको, सीवी रमन को, ठीक है दिमाग में रखिएगा, सीवी रमन को, ठीक है नोबेल प्राइज मिला था सबसे पहला, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन, देखो यार कभी भी एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल, अगर कभी भी एक बिल आएगा ना एनवायरमेंट से संबंधित, भाई पीडीएफ मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ और डेली 8 बजे ये क्लास का लिंक इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है दिमाग को रखेगा इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ और लिंक। 1986 इसका आंसर है, 1986 इसका आंसर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल 1986 में आया। इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द टू और मोर, एक रिएक्टेंट एक, ठीक है ए और बी को जोड़ के अगर मैं ए और बी बना दूं और कह दूं इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो प्यारे इस रिएक्शन का क्या नाम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कुछ कंबाइन कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो भैया आंसर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है ठीक है। चलिए कल से आओ डेली 8 बजे आओ, कल भी 8 बजे आ जाओ, ठीक है आपको कुछ नहीं जाना, कहीं यूट्यूब पे सर्च नहीं करना, आपको बस इस टेलीग्राम पे ओपन करके देखना है, कल 8 बजे आ जाओ, क्वेश्चन के लेवल को औसम कर दूंगा और बढ़ा दूंगा। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका सेल्सियस में कितना होगा, दिमाग पर रखिएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, इसलिए आंसर इसका ये है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कमेंट करिएगा इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आंसर क्या, ठीक है आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, ठीक है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक और क्वेश्चन देखिए, शेयर करेगा भाई सेशन को, आंसर बताएगा द एसिड यूज्ड इन द लेड स्टोरेज सेल, जल्दी से बताएगा लेड स्टोरेज सेल में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, आंसर क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जवाहर रोजगार योजना जो स्टार्ट की गई थी कौन से वर्ष में स्टार्ट की गई थी, जवाहर रोजगार योजना कौन से वर्ष में स्टार्ट की गई थी, कमेंट करेगा आंसर क्या है, 1988 में स्टार्ट की गई थी, 1988 में जवाहर रोजगार योजना जो है स्टार्ट की गई थी, आंसर क्या है इसका, ठीक है 1988 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चे आंसर क्या है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या है प्यारे, जल्दी से बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, सुप्रीम कोर्ट के जज यार 65 ईयर में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं बोलता ना हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या है, हाई कोर्ट के जो जज है इनकी रिटायरमेंट एज क्या है, तो भैया 62 हो जाता आंसर, 62 हो जाता उस केस में आंसर, क्वेश्चन अलग अलग हैं आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या है क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर 134, कॉन्करेंट लिस्ट में किसको इंक्लूड किया गया है बच्चे, ट्रेड यूनियन को इंक्लूड किया गया, ट्रेड यूनियन को इंक्लूड किया गया। एक और क्वेश्चन ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा, आज 10:30 बजे भी क्लास होगी, आज आपको पढ़ना है भैया तो 10:30 बजे साइंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है डेली मैं 8 बजे इधर क्लास कराता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं 10:30 बजे भी एक क्लास कराता हूँ, उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन 8 बजे का तो फिक्स कर लो कि भैया कल भी आप 8 बजे इसी क्लास में आओगे, लेकिन कहाँ से आओगे, इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके इसे ज्वाइन करो, फिर इसमें डेली 8 बजे लिंक मिलेगा, डेली इस क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आंसर क्या है, विच साइंटिस्ट पायनियर्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट, ठीक है रेडियो, आंसर क्या है, जेसी बोस। एक और क्वेश्चन देखिएगा, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जल्दी से बताइएगा किसके लिए, आंसर क्या बच्चे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आंसर क्या है इसका, ठीक है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, ये नहीं करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा, वो एसएससी जेई का, बताइएगा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ऑल्सो द नोबल प्राइज विनर फॉर द फिजिक्स। जल्दी से बताएगा, नोबल प्राइज भी मिला हुआ है इनको फिजिक्स के लिए और ये इंडियन ओरिजिन के भी हैं। कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा। आसान है, अभी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन द मार्च 26। कोई बताएगा, भारत देश अभी आजाद हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है, 15 अगस्त में। लेकिन अगर आपसे बोला जाए हाल फिलहाल इन द सेंस कि भैया जो है डेट हमारी अभी आई थी हाल फिलहाल में, लेकिन अगर आपसे बोला जाए प्यारे कि, ठीक है, आपसे ये बोला जाए क्या है इसका आंसर, 26 मार्च को कौन सा, बांग्लादेश, ठीक है, दिमाग में रखिएगा 26 मार्च को कौन सा, बांग्लादेश, ठीक है, दिमाग में रखिएगा 26 मार्च को कौन सा बांग्लादेश है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए आंसर क्या है, एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लेक लाइन, इसमें से कौन सा स्लेक लाइन है, कमेंट करिएगा इसमें से कौन सा स्लेक लाइन है। आसान क्वेश्चन है यार, स्लेक लाइन क्या है, ये है CaOH होल्ड ट्वाइस जो है स्लेक लाइन है। अगर आपसे बोला जाए कि स्लेक लाइन की जगह क्विक लाइन बोला जाए, ठीक है, आपसे बोला जाए क्विक लाइम कौन सा है, तो भाई ये भी याद रखना क्विक लाइम कौन सा है, CaOH, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्विक लाइम है, और स्लेक लाइम बोला जाए तो CaOH होल्ड ट्वाइस है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन, ठीक है, नेक्स्ट इनकारनेशन अगर गौतम बुद्ध के बाद बोला जाए तो किसे माना जाता है, कमेंट करिएगा किसे माना जाता है गौतम बुद्ध के बाद नेक्स्ट इनकारनेशन, मैथ्री को माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये क्वेश्चन, ठीक है भाई राहुल और कोई भी बच्चा, एक चीज याद रखो, ये क्लास डेली 8 बजे होती है, टेलीग्राम चैनल पे डेली लिंक आता है, सर्च कर लेना, 31-32 हज़ार कुछ बच्चे होंगे इसमें, सर्च कर लेना, 8 बजे लिंक आती है, ऑल एग्जाम क्लास है, सभी एग्जाम के लिए भाई, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। हु आइडेंटिफाइड डीएनए फर्स्ट, ठीक है, फ्रेडरिक मैस्चर इसका आंसर है, कुछ बच्चे इसका आंसर बोस्टन और क्रिक लगाएंगे और फिर बहस भी कर लेंगे, ठीक है भाई दिमाग में रखिएगा, फ्रेडरिक मार्शर के द्वारा सबसे पहली बार डीएनए जो है फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था। एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट 36 ग्राम ऑफ वाटर, 2 मोल होते हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर में, 2 मोल होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नहीं करना इस क्वेश्चन का आंसर, विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज द हाउस इलेक्टेड बाय द पीपल, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, लोकसभा इसका आंसर है, ठीक है दिमाग को रखिएगा, लोकसभा इसका आंसर है, कमेंट करिएगा। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म, एंजियोस्पर्म में होता है प्यारे, जल्दी से आंसर क्या है, एंजियोस्पर्म में होता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू सेपरेट अथरनेट नेटवर्क, अच्छा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि दो अथरनेट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, आंसर क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, यार ब्रिज यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, ब्रिज को यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं इससे हम, ठीक है दिमाग रखिएगा, ब्रिज को यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फ्री इन द फोटोसिंथेसिस, आंसर क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन सी गैस फ्री होती है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन आएगा नहीं, इजी क्वेश्चन है, लेकिन भाई फोटोसिंथेसिस के समय, ठीक है दिमाग रखिएगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन विच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को कहां पे सिचुएटेड है, कमेंट करेगा यूनेस्को कहां पे सिचुएटेड है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे मिल जाएगी, पीडीएफ कहां पे, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे मिल जाएगी, ठीक है दिमाग में रखेगा, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे पीडीएफ मिल जाएगी, शेयर करना बस सेशन को आप, ठीक है, पेरिस इसका आंसर है, ठीक है दिमाग में रखिएगा, यूनेस्को। अच्छा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले, गुड क्वेश्चन में से एक है, भारत में सबसे पहले कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिनके द्वारा नेशनल इनकम साइंटिफिकली मेजर की गई थी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइंटिफिकली मेजर किसमें की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, आंसर का जवाब आप बताएं, जल्दी से बताएं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, साइंटिफिकली किसके द्वारा मेजर की गई थी, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताइएगा। चलो आंसर क्या है साइंटिफिकली किसके द्वारा, VKRV राव के द्वारा, किसके द्वारा, VKRV राव के द्वारा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, इसमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है, साफ पता चल रहा है कि भैया लिटमस जो होता है ना नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, लिटमस क्या होता है भाई, सेशन को ना लाइक भी कर देना, मस्त तरीके से लाइक कर दो, 3000 लाइक होने चाहिए इस समय तक, तो
ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखो यार ये मैप है, टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो यार टेम्परेचर नीचे की तरफ गिरेगा ना, नेगेटिव लेफ्ट फेस कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, नेगेटिव लेफ्ट फेस कहते हैं। तो आंसर इसका क्या है प्यारे, 20 का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये क्वेश्चन गलत करोगे 100% गारंटी देता हूं, लेकिन इसके बाद नहीं करोगे। 8 बजे अगर डेली मुझसे जुड़ते हो ना इस टेलीग्राम चैनल से, लिंक शेयर करता हूं, ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और सीख जाओगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट एज अ चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, और सवाल का जवाब बच्चे बताए क्या देने वाले हैं, यूनियन गवर्नमेंट की, भाई यूनियन गवर्नमेंट होता है प्यारे, दिमाग में रखे, यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग में रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज, कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, आसान है, ठीक है, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोलिक एसिड इन द स्टमक प्रोवाइड द एसिडिक पीएच टू प्रोवाइड द पेप्सिन, पेप्सिन एमर्ज कराने के लिए HCl होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कितना पीएच वैल्यू, आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो, ठीक है, आंसर क्या है इसका, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इसका, 1.8 इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर क्या, HCl का पीएच वैल्यू जो होता है ना, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो HCl का पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, 1.8 है इसका आंसर, ठीक है, दिमाग पर, कुशाल विश्वास, यूनियन एंड स्टेट बहुत नहीं है, ठीक है, बहुत नहीं है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा प्यारे, यूनियन और स्टेट बहुत नहीं है, स्टेट का है सिर्फ, ठीक है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़िए एक बारी, विद द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टी एज द इलेक्शन टू सिंबल्स, लीग मुस्लिम लीग, एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा देश के राज, ठीक है, सिटीजन है जिन्होंने यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए वोटिंग करी थी, आसान है, किसने करी थी वोटिंग, यूनाइटेड किंगडम ने करी थी, रेफरेंडम हुआ था, जिसे हम ब्रेक्सिट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक्सिट कहते हैं, ठीक है, दिमाग रहे, ब्रेक्सिट आपने सुना होगा, ठीक है, फेमस हुआ था अभी कुछ सालों पहले। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 प्लैनेट एंड हाउ मच मून, ठीक है, 63। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से कौन सा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कमेंट करिएगा इसमें से कौन सा, ठीक है, ठीक है, कौन सा इसमें से, ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इसका, बोरोन इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, बोरोन इसका आंसर है, पी ब्लॉक का एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो प्यारे बोरोन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, ये भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस, जल्दी से बताइएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैं तापमान को बढ़ाऊंगा तो स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बच्चे आंसर क्या है, 164 इंक्रीज होगी, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। फाइनेंस कमीशन जो है कितने वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, फाइनेंस कमीशन कितने वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, फाइनेंस कमीशन कितने वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है बच्चे, 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चे, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, आप ना बस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और 8 बजे आ जाना कल भी, कितने बजे, कल भी 8 बजे आ जाना, और रात को आज 10:30 बजे, रात को आज 10:30 बजे, ठीक है, दो टाइम पकड़ लो, रात को 8 बजे और रात को 10:30 बजे, ये दो फिक्स क्लासेस है। आज 8 बजे आ गए हो तो अभी रात को 10:30 बजे भी लिंक भेजूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे, आ जाना, कंटेंट आपको डेली दूंगा, ठीक है, गजब, ठीक है, 8 बजे रात को यूट्यूब और 10:30 बजे भी फ्री क्लास साइंस की होती है, ठीक है, दिमाग रहेगा, दोनों टेलीग्राम चैनल पे, तो कल 8 बजे आना है और आज रात को भी 10:30 बजे क्लास होगी, तो इसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा। विद द फॉलोइंग कंट्रीज द मैक्सिमम प्रोड्यूसर यूरेनियम, कजाकिस्तान में यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट में कौन सा है, व्हाइट ब्लड सेल में सबसे ज्यादा कौन सा है बच्चे, दिमाग पर रखेगा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, दिमाग पर रखेगा सबसे ज्यादा कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
चलिए आंसर क्या है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हेन द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एस्टेब्लिश, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है कब एस्टेब्लिश किया गया, 1986 में, ठीक है 1986 में। एक और क्वेश्चन देखिए, द आई लेंस फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना, जल्दी से बताइएगा आई लेंस जो है किस तरीके की इमेज बनाते हैं, रेटिना के ऊपर कौन सी इमेज बनाते हैं आई लेंस, कमेंट करिएगा आई लेंस कौन से तरीके की इमेज बनाते हैं। आंसर क्या है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ठीक है यार, देखो कुछ बच्चे इसका कहेंगे कि सर आंखों में इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो हम तो उल्टे दिखाई देंगे ना, तो भैया दिमाग में रखिएगा वो रेटिना पे इन्वर्टेड दिखाई देता है, वो ब्लॉक करके माइंड तक जाता है तो वो रिवर्टेड इमेज आती है, ठीक है दिमाग में रखिएगा। ठीक है ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ मेनी एनर्जी फ्री इन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी, आंसर क्या है 4.3 कैलोरीज। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर क्लोज टू द अर्थ इज कोल्ड, जल्दी से बताएगा ये अर्थ है, ठीक है इस अर्थ के क्लोजेस्ट जो लेयर है ना वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है, ठीक है दिमाग करेगा ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है। ठीक है तो भैया आंसर इसका क्या है, ट्रोपोस्फेयर इसका आंसर है, क्लोजेस्ट कौन सा है, ठीक है दिमाग करेगा। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है क्वेश्चन नंबर, रेड ब्लड सेल हैव द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ 120 डे। ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि जब रेड ब्लड सेल खत्म होते हैं, ठीक है रेड ब्लड सेल जब खत्म होते हैं प्यारे, उसके बाद वो किस में जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, रेड ब्लड सेल जो खत्म होते हैं उसके बाद ये किस में जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है आंसर क्या बच्चे, दिमाग पर रहेगा स्प्लीन इसका आंसर है। ठीक है रेड ब्लड सेल बनते किससे हैं, बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है बनते किससे हैं, बोन मैरो से बनते हैं, लेकिन खत्म किससे होते हैं, स्प्लीन से होते हैं। ठीक है देखते हैं खत्म होते हैं स्प्लीन के बाद। मित्रा शक्ति एक्साइज कौन से दो देशों के बीच में होती है, दिमाग पर रखिएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्रा शक्ति एक्साइज होती है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द रोड सेफ्टी कैंपेन, रोड सेफ्टी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अक्षय कुमार को। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है बच्चे ये कौन से वर्ष में बनाया गया। देखो यार पहली बात तो ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड पे ना एक सवाल आता है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ये स्पेशल क्लास नहीं है, जो भी बच्चा कह रहा है भैया स्पेशल क्लास है, ये स्पेशल नहीं है, डेली 8 बजे क्लास होती है डेली, ठीक है इस टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगा, डेली क्लास होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अगर बोले ना नासिक में है ये, ठीक है दिमाग पर रखिएगा नासिक में है। सवाल पूछा है कौन से वर्ष में, वर्ष बताइए जल्दी से बताइएगा वर्ष कौन सा है, कमेंट करिएगा वर्ष कौन सा है, 1940 में। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब द टंगस्टन इज यूज बिकॉज, आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है टंगस्टन यूज किया जाता है किस वजह से, यार टंगस्टन जो होता है ना, ठीक है वो मेल्टिंग पॉइंट उसका बड़ा हाई है, हीट होने के बाद भी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इस वजह से बच्चे टंगस्टन को यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच गैस इज फिल्ड इन द बैलून, जल्दी से बताइए कौन सा गैस जो है बैलून में फिल किया जाता है, आंसर क्या है, हीलियम गैस। ठीक है दिमाग पर रखिएगा, हीलियम गैस जो है बैलून में फिल किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज अकर ड्यू टू द मूवमेंट और द शिफ्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, आसान क्वेश्चन है जल्दी से बताएगा, टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्ट की वजह से क्या होता है, जल्दी से बताएगा टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्ट की वजह से क्या होता है बच्चों, दिमाग में रखिएगा, अर्थ क्यों आएगा, ऑब्वियसली भूकंप जो आएगा ना वो टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्ट की वजह से आएगा। ठीक है दिमाग पर रखिएगा, अर्थ क्यों किसकी वजह से आता है, टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्ट की वजह से आता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भाई अन अकेडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, 10:30 बजे मैं क्लास लेके आता हूँ फ्री क्लास। ठीक है 10:30 बजे मैं साइंस की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फुल फ्लेज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्री क्लास है ये साइंस की, आज भी रात को होने वाली है ये 10:30 बजे क्लास। इसके लिए आपको ना अन अकेडमी पे सर्च करना अमनदीप शर्मा और मुझे ज्वाइन करना, आई एम 11th एजुकेटर राइट नाउ इन सीडीएस डिफेंस कैटेगरी, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा आपको इस क्लास का, वैसे आप अन अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दिमाग पर रखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दिमाग पर रखिएगा, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ भाई, एयर एंटर द बॉडी ऑफ कॉकरेज थ्रू, जल्दी से बताएगा, जो कॉकरेज है उसके अंदर जो एयर एंटर करती है वो किसके थ्रू एंटर करती है, आंसर क्या है बच्चे दिमाग में रखिएगा। ठीक है स्पेकल्स के थ्रू, ठीक है स्पेकल्स के थ्रू। देवबंद मूवमेंट वॉज स्टार्टेड मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया, कौन से राज्य में, ठीक है देवबंद मूवमेंट जो है कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया था, जल्दी से बताएगा देवबंद मूवमेंट जो है कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया था, आंसर क्या बच्चे उत्तर प्रदेश में। ठीक है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विद द फॉलोइंग पर्सन वॉज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कौन सा, ठीक है, इसमें से राष्ट्रपति हैं जो एसोसिएटेड हैं, ठीक है, सिविल वॉर हुई थी, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सिविल वॉर हुई थी, आंसर क्या है इसका, जॉर्ज वॉशिंगटन। एक और क्वेश्चन देखिए, द केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग, नकली बारिश करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, कमेंट करेगा, नकली बारिश करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं कल कराऊंगा इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखो, विच इंडियन शूटर जिसको क्या है ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया जा चुका है, बहुत पहले सम्मानित किया गया है, लेकिन ये उपाधि सिर्फ इन्हीं को मिली है, ब्लू क्रॉस से सम्मानित किसे किया गया है, अभिनव बिंद्रा जो थे जिनको पहला गोल्ड मेडल मिला था शूटिंग के लिए, उनको ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया था, महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, हु वाज कॉल्ड द एग्रेम्स और द जेमडन्स बाय द ग्रीक राइटर, आंसर क्या है, धनानंदा, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है इनकी विशालकाय सेना को देख के भागे थे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इनकी विशालकाय सेना को देख के भागे थे। हाँ भाई, कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी हालत है जिसमें ये चीज कंफर्म है कि जो प्लांट है, ट्री जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी से बताइएगा किस कंडीशन में प्लांट और ट्री जो है ज्यादा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यार अगर लीव्स ही नहीं रहे, पत्तियां ही नहीं रही ड्यूरिंग द लॉस ऑफ इट्स ऑल लीव्स, अगर पत्तियां सारी खत्म होगी तो प्यारे उस केस में तो प्लांट खत्म ही खत्म है ना, तो आंसर इसका क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑयल स्पिल इन सी विच इकोसिस्टम, जल्दी से बताएगा, ऑयल स्पिल जो होता है, ठीक है, जो तेल है एकदम से फैल जाए, ठीक है, किसी वजह से कंटेनर लीक हो जाए किसी वजह से, तो भैया वो किस में होता है, ऑयल स्पिल करते भी है, अगर ऑयल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है उसे करना भी पड़ता है, और वो किस में होता है, दिमाग को रखेगा, मरीन इकोसिस्टम में होता है। एक और क्वेश्चन देखेगा, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टेट, मैंने अभी बताया मेंडलीव इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, मेंडलीव इज नोन एज द, मेंडलीव को क्या कहा जाता है प्यारे, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, ठीक, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिएगा। ठीक है, आंसर क्या है प्यारे, इस क्वेश्चन का आंसर है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, मेंडलीव को, ठीक है, मेंडल को, ठीक है, जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट, जल्दी से बताएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, अब इसमें से क्या ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है, आंसर क्या है यार, हाइड्रोजन चाहिए ज्यादा मात्रा में, लेकिन मैग्नीज कॉपर जिंक ये सभी के सभी क्या है प्यारे, दिमाग में रखिएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये सभी के सभी क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है ना, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, मेरी क्लास का लिंक डेली 8 बजे इस क्लास पे आ जाता है, ये डेली की क्लास है, डेली क्लास लेता हूँ 8 PM पे, ठीक है, तो 8 PM पे सभी एग्जाम के लिए क्लास है, ऑल एग्जाम के लिए क्लास है, ठीक है, डेली होती है 8 बजे, ठीक है, दिमाग रखिएगा, डेली 8 बजे क्लास होती है। जुपिटर की रैंक क्या है साइज में, भैया जुपिटर तो सबसे बड़ा है, ठीक है, साइज में सबसे बड़ा है, प्लैनेट्स में सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर। एक और क्वेश्चन देखिए, विद द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद द टर्म द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरनिटी, जल्दी से बताएगा, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरनिटी से संबंधित कौन से थिंकर हैं, आसान है, ठीक है, रूसो है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ भाई, अशोका जो है मोस्ट फेमस रूलर थे अर्ली इंडिया के, इन्होंने कंकर किया था किसको, बड़ा आसान है भैया, कलिंग वॉर के बाद अशोका को ये समझ आया कि भैया ये जो चीजें हैं लड़ाई और इन सब में कुछ रखा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो एकदम साध्वी बन गए थे, ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सब चीजों को सही तरीके से किया। विच स्टेट गवर्नमेंट नोज द रिश्ता स्कीम, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, द साइड मिरर ऑफ द व्हीकल आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर, जल्दी से बताइएगा, हमारे पास अभी 40 मिनट है, हम अभी 100-200 क्वेश्चन और करेंगे, लगातार पढ़ोगे तो भैया 100-200 क्वेश्चन हो जाएंगे, और यही क्लास डेली 8 बजे होती है, यानी कि 300 क्वेश्चन डेली, कितने क्वेश्चन डेली, 300 क्वेश्चन डेली, ठीक है, कितने बजे, 8 बजे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। स्वाइड जो मिरर होते हैं उसमें कन्वेक्स मिरर लगता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर तो कन्वेक्स है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है। एक और क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच द सॉइल डिपॉजिट थ्रू द कंपोजिशन टर्न इनटू द रॉक,
सोयल टर्न में कन्वर्ट हो जाती है किस प्रोसेस के थ्रू, जल्दी से बताएगा। सोयल जो मिट्टी जो है ठीक है रॉक में कन्वर्ट हो जाती है किसके थ्रू, लिथिफिकेशन के थ्रू। एक और क्वेश्चन है, विच इज द फेमस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सी है? भैया फेमस नाम है, मूवी का नाम है सुल्तान है, सुल्तान है सुल्तान, आंसर क्या सुल्तान, इसका आंसर सुल्तानपुर, इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज कॉल्ड द डॉक्टर विंड, जल्दी से बताएगा डॉक्टर विंड, कौन सी विंड को कहा जाता है, कौन सी लोकल विंड है जिसे डॉक्टर विंड कहा जाता है प्यारे, आंसर क्या है, दिमाग पर गया, हरमथन। ठीक है, ये पता है क्या करती है विंड, ये विंड क्या करती है, जहां पे ना साउथ अफ्रीका की जैसे गर्मी वाले इलाके ना वहां पे बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है, इसमें ये विंड आने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बदलाव आता है जिसकी वजह से ठीक है डॉक्टर विंड इसे कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देगा, अशोका वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, आसान है भैया ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के। एक और क्वेश्चन देगा, ऑक्टेट रूल किसके लिए वैलिड नहीं है, BF3 के लिए वैलिड नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, हु सेड दैट द साइमन कमीशन जो है ना बेकार है और इसको ना क्या है कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन इन द हीप ऑफ द रबिश, ये किसके द्वारा कहा गया था प्यारे, आसान क्वेश्चन है, किसके द्वारा कहा गया था ठीक है, शिव स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था, कुछ बच्चे इसका नाम महात्मा गांधी लगा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, भाई दिमाग में रखेगा, भाई सेशन को लाइक करो यार सारे के सारे बढ़िया तरीके से ठीक है, 4000 लाइक होने चाहिए इस पे ठीक है, बढ़िया तरीके से 4000 लाइक, और डेली आके 8 बजे क्लास ले लो ठीक है, दिमाग रखिए, स्पेशल क्लास नहीं है ये प्यारे, डेली होती है ठीक है, बस पता ही नहीं है आपको ठीक है। आंसर क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल कौन सी है, बोनस एरिस है ठीक है, दिमाग रखिए। एक और क्वेश्चन ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है आर्टिकल 19 में दे रखा है ठीक है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस आर्टिकल 19 में दे रखा है, कूलिंग बाय द डेजर्ट इज बेस्ड ऑन द इवेपोरेशन कूलिंग। एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन का आंसर, हाँ भाई 7 प्लेयर किसमें है, वॉटर पूल में 7 प्लेयर है, ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, अगर मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो क्या चीज नहीं बदलेगी, यार बहुत बेसिक चीज है कि अगर मैं एक चीज को बॉल को ऊपर फेंक दूं तो क्या चीज नहीं बदलने वाली, कॉमन सेंस की बात है, क्या नहीं बदलेगा, आंसर क्या है जल्दी से बताएगा। क्या नहीं बदलेगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदलेगा, 9.8 है तो 9.8 रहेगा ठीक है, 9.8 है तो 9.8 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज एब्सेंट, हाँ भाई टेराकोटा जो होता है ना ठीक है, टेराकोटा में कौन सा ऐसा पालतू जानवर था जो नहीं था, दिमाग में रखिएगा ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में काउ वाज नॉट देयर, काउ वाज नॉट देयर, गाय नहीं थी ठीक है, दिमाग में रखिए गाय नहीं थी, तो आंसर इसका ये है, अ बॉडी अब्सॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज ब्लैक एंड रफ, ठीक है दिमाग में रखिएगा, अगर एक बॉडी ब्लैक और रफ है तो भैया ऑब्वियसली ठीक है, दिमाग में रखिएगा ऑब्वियसली ठीक है, वो क्या है ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाली है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन सी ऐसी रे है जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर है, जल्दी से बताएगा, कौन सी ऐसी वेव है जिसका जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर है, आंसर क्या है विजिबल लाइट का, ठीक है दिमाग रहेगा विजिबल लाइट का। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को नहीं करना, इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट इज करेक्ट, ठीक है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया हैज द सोर, ठीक है बड़ा आसान है, मुंबई हाई में है ठीक है, ऑफशोर ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ है, मुंबई हाई में ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द क्लासिकल इंडियन फ्लूट प्लेयर, आसान है ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है क्लासिकल इंडियन फ्लूट प्लेयर थे ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। एक और क्वेश्चन, स्पीड को खींच लो ठीक है, दिमाग करो स्पीड को खींच लो, रात को 10:30 मिलना, अभी क्लास होगी 10:30 ठीक है, दिमाग रखेगा 10:30 अभी क्लास होगी, बहुत बेहतरीन क्लास ठीक है, दिमाग रखेगा 10:30 अभी क्लास होगी ठीक है, रात को 10:30 इतने ही क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ठीक है, दिमाग करिए हम रात को ही पढ़ते हैं तसल्ली से, तो भैया रात को 10:30 क्लास होगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और ये वाली क्लास डेली 8 बजे होती है ठीक है, डेली 8 बजे क्लास होती है, ये नहीं करना। इलोरा केव इज इन कहाँ पे, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में। एक और क्वेश्चन, डैश इज द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, भारत का भैया तेजस है ये ठीक है, दिमाग करिए इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ठीक है, LCA जिसे कहते हैं ठीक है, तेजस है ठीक है, और तेजस तो हमारे देश की शान है ठीक है, आप सभी जानते हैं तेजस तो हमारे देश की शान है। एक और क्वेश्चन देखिए, विद द फॉलोइंग कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, ठीक है हमारी आंखों में जो पीपल होता है ना इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताएगा, हमारी आंखों में जो पीपल होता है इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, आयरिस को यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेस इज ऑल्सो कोल्ड, क्या कहा जाता है जल्दी से बताएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेट को और क्या कहा जाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
ठीक है, आंसर क्या है भाई इसका? चलिए आंसर क्या है इसका बच्चे, दिमाग में रखिएगा, कोरमंडल कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, कोरमंडल कोस्ट कहा क्यों जाता है प्यारे, दिमाग में रखिएगा इस वजह से। ठीक है, इस वजह से, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, दिमाग में रखिए, तमिलनाडु में जो पोर्शन है इसे कहा जाता है कोरमंडल कोस्ट। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इब्ने बतूता वास, हाँ भाई आसान क्वेश्चन है, इब्ने बतूता कौन से देश से थे, जल्दी से बताइए, ट्रैवलर थे। ठीक है, कौन से देश से इब्ने बतूता, आसान है, मोरक्को से थे। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, ठीक है आसान है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और क्वेश्चन देखिए, हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जल्दी से बताएगा क्वेश्चन। इसमें सारे पता कैसे गलत करते हैं, बच्चे लगा देते कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा। प्यारे आंसर सच्चिदानंद सिन्हा, चाहे कैसे भी थे, टेम्पररी थे, लेकिन भैया मेंबर तो पहले यही थे ना। ठीक है, दिमाग पर गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड सेल इज टाइप ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एरंगुलाइट्स किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए, कौन सा WBC का पार्ट है जिसे एरंगुलाइट्स कहते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कौन सा पार्ट है, दिमाग में रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। एरंगुलाइट्स किसे कहते हैं, लिम्फोसाइट को कहते हैं, जो कि एड्स का बचाव करता है, एड्स से हमें बचाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट को कहते हैं, एरंगुलाइट्स होते हैं। ठीक है, दिमाग रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन में आपके लिए डेली ऐसा कंटेंट लाऊंगा, आप बस आदत बना लो कि आपको कल भी 8 बजे इसी क्लास में आना है। आना कैसे, बस टेलीग्राम पे एक बार सर्च करो, अमन सर वाइफ स्टडी ब्रैकेट में ऑफिशियल, 31,000 के आसपास बच्चे होंगे, इसे ज्वाइन कर लेना, कल भी 8 बजे क्लास लूंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो भैया 10:30 बजे आज जुड़ जाना, मेरा शेड्यूल देख लेना, आज रात को 10:30 बजे मैं साइंस की क्लास लेके आने वाला हूँ, रात को 10:30 बजे इस क्लास के जस्ट बाद। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, मूसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग, कृष्णा नदी। एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, गुजरात का नहीं है, बाकी दोनों में है, जम्मू कश्मीर का भी डाउट में चल रहा है। ठीक है, दिमाग पर रखिए, मैं खुद जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, राज्य नहीं बोल सकता, यूनियन टेरिटरी बोलूंगा। ठीक है, लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ जम्मू कश्मीर से। अगस्त 9, 2018 वाज ऑब्जर्व एज द डैश एनिवर्सरी ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, 76 एनिवर्सरी। एक और क्वेश्चन देखिए, नहीं करना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, अल बरेनी जो कि उज्बेकिस्तान से भारत आए थे, सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ष में आए थे, जल्दी से बताएगा। ठीक है दिमाग में रखिएगा, कौन से वर्ष में आए थे। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे कौन सी स्टेट से हो सर, तो जम्मू कश्मीर से हूं। ठीक है, आंसर क्या है इसका, दिमाग में रखिएगा, 11वीं शताब्दी से। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, वोल्ट कौन सी, किसकी एसआई यूनिट, आंसर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की। आसान क्वेश्चन है ये, बाइल जूस इज रिलीज एंड इन टू विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जल्दी से बताएगा, बाइल जूस इज रिलीज इन टू विच पार्ट, आसान है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ भाई कौन सी ऐसी यूनिट है जो कि सेमंस में मेजर की जाती है, 34th क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी ऐसी यूनिट है जो कि सेमंस में मेजर की जाती है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। भाई एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फर्क है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अलग है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मोहो मोहो होता है और इसकी सेमंस होती है। ठीक है, दिमाग में रखिए, सेमंस होती है। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाने वाली कौन सी इसमें से बात है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और हमारे इस सिंधु घाटी सभ्यता के कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताती है। ठीक है, आंसर क्या है, सील इसका आंसर है, मोहरे, ऑब्वियसली द एटमोस्फेयर ओनली कंटेन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन, आसान है। ठीक है, 1%। एक और क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में, भाई सेशन को लाइक करेगा, शेयर करेगा, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, डेली 8 बजे क्लास लेनी है तो ज्वाइन कर लेना। आंसर क्या है, 28 जनवरी 1950। एक और क्वेश्चन देखिए, कैम लैंग्वेज कौन सी थी मिडविल पीरियड में, तो भैया उर्दू थी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मुला ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, हाँ भाई क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या, कनाडा से। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सोल्ट, जो चीज बेसिक होगी तो भैया स्ट्रॉन्ग बेसिक होगी और वीक एसिड होगी। ठीक है, आंसर सी है। ठीक है, दिमाग रहेगा, सी इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून ऑफ द प्लैंक मंथ, आंसर क्या है, होली। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नहीं करना है इस क्वेश्चन का आंसर, हु इज एन एक्सपोनेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग,
हाँ भाई, किसने दिया था प्रिंसिपल प्राइसिंग का कि भैया जिसका कोई भी रेट जो होता है ना उसका कंसेप्ट किसने दिया? मार्शल ने दिया था, इकोनॉमिक्स थे। फॉरेस्ट एंड ओशियंस किसके लिए? सिंक की तरह काम करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें समा जाती है। ठीक है, दिमाग रही है? फॉरेस्ट एंड ओशियन एक्ट एज अ सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट? यार थोड़ी सी ना स्पीड भी रखो, देखो स्पीड जरूरी है, बिना स्पीड के काम नहीं बनेगा। अगर मैं पढ़ा दूं तुम्हें धीरे धीरे तो भैया अभी तो मैं 100 क्वेश्चन में पढ़ा होता। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, स्पीड बढ़ाओ, 8 बजे आ जाओ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आज 10:30 बजे मैं क्लास लेके आऊंगा साइंस की, उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, दिमाग रहेगा। हाँ भाई, आंसर क्या इसका? 35 इसका आंसर है। हु इज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? आसान है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ द लोक अदालत? एक नहीं है। ठीक है, लोक अदालत के सारे एम है लेकिन एक नहीं है प्यारे। आंसर क्या है? क्या एम नहीं है? आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, क्या एम नहीं है? यार देखो, लोक अदालत अगर सारे नागरिकों को अपने हाथ में, ठीक है, पावर दे दे तो भैया इससे तो दिक्कत ही हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या है? गिविंग द पावर टू द रूल इन द हैंड ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता भैया। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, द पार्लियामेंट हैज गिवन द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। किसके तहत? आर्टिकल 11 के तहत। ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। विद द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सोशल राइट? भाई सोशल राइट के अंदर कौन सा नहीं है? राइट टू वोट इज अ पॉलिटिकल राइट। राइट टू वोट एक पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, दिमाग पर रखिए, राइट टू वोट क्या है? एक पॉलिटिकल राइट है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट इज एवरीवेयर। ठीक है, आंसर क्या है? वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है ये। नहीं करना है इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? 8th शेड्यूल लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, चलिए 2nd शेड्यूल फॉर्म ऑफ ओथ बोल रहा है, ये गलत है भाई। 2nd शेड्यूल अथॉरिटी के बारे में है। ठीक है, 2nd शेड्यूल किसके बारे में? अथॉरिटी के बारे में है। ठीक है, दिमाग को रखिएगा। ठीक है, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, तो भैया इसी की वजह से हम कम नंबर कम कर रहे हैं इसमें। कोलकाता इज एन एग्जांपल, किस तरीके का पोर्ट है? रिवराइन पोर्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, ये क्लास होती है भाई, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है अभी, मैं 10:30 बजे डेली फ्री कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ साइंस का, 10:30 बजे। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, 10:30 बजे यानी कि अभी रात को क्लास होगी, 10:30 बजे कोर्स होने वाला है। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, 10:30 बजे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, दिमाग को रखिएगा। टेलीग्राम चैनल, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्लासिकल इंडियन बॉलिंग प्लेयर? ठीक है, आंसर क्या है? वीजी जोग। ठीक है, वीजी जोग जो है क्लासिकल बॉलिंग प्लेयर है। एक और क्वेश्चन देखिए, पैरेलल इकोनॉमी एमर्ज ड्यू टू, किसकी वजह से? टैक्स इवेशन, कर चोरी। ठीक है, जो टैक्स होता है उसको अगर हम चुराते हैं तो उसकी वजह से पैरेलल इकोनॉमी बनती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड कॉस्ट? आंसर क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन मशीन। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। कैसे कैसे फिक्स्ड कॉस्ट है? क्योंकि बच्चे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना वो फिक्स ही होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं करना। क्वेश्चन अब सारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज? ठीक है, पंडिता रामा भाई। जावेदी हिल्स कहां पे? कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। 74-75 किससे संबंधित है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है। किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, जिस समय मुगल एम्परर कौन थे? अकबर थे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं करना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। हाँ भाई, सबसे ज्यादा मोस्ट बेनिफिटेड कौन है? इन्फ्लेशन से फायदा किसका होगा? जिसने उधार लिया हो। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम द इन्फ्लेशन। भाई दिमाग पर रखिएगा, जो उधार लेता है ना क्रेडिटर, ठीक है, लेनदार जो होता है वो है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, लेनदार जो होता है वो है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन, कहाँ से लिया गया सिंगल सिटीजन का सर? इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इंग्लैंड से लिया गया। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कर्मा डांस किससे संबंधित? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किसे दिएगा? तमिलनाडु लैंग्वेज को दिएगा। आप जल्दी से सोल्व कर लेते हैं क्योंकि फिर उसके बाद 10:30 बजे क्लास है हमारी। ठीक है, दिमाग रहेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा लिंक। ठीक है, जल्दी से सोल्व करते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन है। ये नहीं करना 2018 का। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ साइकोलोज? ठीक है, साइको एनालिसिस के फाउंडर किसे कहा जाता है? आंसर क्या है बच्चों? ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड को कहा जाता है। मेटल और नॉन मेटल की तरह कौन सा काम करता है? कार्बन नहीं है इसका आंसर, बोरोन इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, मेटल और नॉन मेटल की तरह बोरोन काम करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 344। कथकली कौन से स्टेट का डांस है? केरला का डांस है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, केरला का डांस है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एलिफेंट प्रोटेक्शन स्कीम कौन से वर्ष में स्टार्ट की गई? आंसर क्या है? 1992 में।
ऋग्वेदिक आर्यन, ये नहीं करना क्वेश्चन, छोड़ेंगे इसको। रिंगबोम कौन सी टाइप की डिसीज है भैया? फंगस डिसीज है, ठीक है, दिमाग करेगा। रिंगबोम किस तरीके की डिसीज है? जल्दी से हिला देते हैं क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं। एल्कली मेटल जो है इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा। वुमेन पावर अवार्ड 2018 का टीम त्रेनी को मिला था, ठीक है, ऑल वुमेन, ठीक है, शिप थी ये, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए कौन सी कमेटी बनी? अशोक मिश्रा कमेटी बनी, ये नहीं करना। रीजनल रूरल बैंक, जल्दी से देखो आप क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर दो इनके। रीजनल रूरल बैंक कौन से, इसमें फिर फ्री हो जाओगे एक घंटे के लिए, उसके बाद आपको 10:30 बजे क्लास दूंगा, ठीक है। ये क्लास याद रखना 8 बजे डेली होती है, 10:30 बजे भी क्लास होगी, वो साइंस की क्लास होगी, डेली होती है वो भी, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। 1975 केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग सिल्वर आयोडाइड। नेपाली कहाँ पे बोली जाती है सबसे ज्यादा भैया? सिक्किम में, ऑब्वियसली सिक्किम में बोली जाएगी, ये नहीं करना क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड इन, ठीक है, इंडियन म्यूजिक का जो कंसेप्ट है ये किसमें लाया गया बच्चे? सामवेदिक, ठीक है, सामवेदिक, ठीक है, संहिता में लाया गया। टेलीफोन एक्सचेंज किसके द्वारा, ठीक है, ठीक है, ट्रिवेट पुस्कोस के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं करना क्वेश्चन। निमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, आसान है भैया, लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू इन अ रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर, सेशन को लाइक कर देना, एंड करते हैं सेशन को जल्दी से। समर ओलंपिक्स, फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट द समर ओलंपिक्स, ठीक है, टोक्यो था, ठीक है, इस बार के ओलंपिक्स भी होने थे यहाँ पे। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका, आंसर क्या है? ठीक है, कुमार घोष, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। आखिरी क्वेश्चन नहीं, नोट आखिरी, इसके बाद एक और है। नेम द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ लोकसभा, आसान है भैया, मीरा कुमारी। एक और क्वेश्चन देखिए लास्ट, द वर्ड वेदा इसका मतलब क्या है? आंसर क्या है बच्चे? नॉलेज। चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं याद रखिएगा इस चीज को, मेरा SSC का कोर्स और डिफेंस का कोर्स, दोनों के कोर्स लाइव है, रेफर कोड है लाइव अमन। आप मुझसे फुल फ्लेज थ्योरी पढ़ सकते हो, ये जो आप पढ़ रहे हो ना इसकी फुल फ्लेज थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है। और याद रखिएगा मैं 8 बजे डेली क्लास कराता हूँ, ठीक है, मेरी क्लास ये 8 बजे फिक्स है। मेरी यूट्यूब क्लास का टाइम है 8 PM, ये डेली क्लास है, कोई स्पेशल क्लास नहीं है। मैं 200-300 क्वेश्चन डेली कराता हूँ, लगातार 8 बजे स्टार्ट करता हूँ, लगातार पढ़ाता हूँ। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, अभी हम 10:30 बजे साइंस की क्लास करेंगे, इसमें जुड़ जाना आप, ठीक है। A to Z बच्चा 10:30 बजे वाली साइंस की क्लास में जुड़ जाओ, और ये क्लास डेली होती है, कल भी आप 8 बजे आ सकते हो, इतने ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। फॉर ऑल क्लास टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसे सर्च करो, इसे ज्वाइन करो, इसके साथ जुड़ो, जिससे कि आपका क्या है, ठीक है, थोड़ा उद्धार हो, जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन ले सको। मिलते हैं 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे वाली क्लास इंपॉर्टेंट है प्यारे आप सभी के लिए। 10:30 बजे वाली क्लास में मैं साइंस पढ़ाऊंगा, जिसने आज तक साइंस ही नहीं पढ़ी ना वो इस क्लास में जुड़ जाना, ठीक है, दिमाग रह गया, वो इस क्लास में जुड़ जाना, साइंस मस्त तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है, दिमाग रह गया, मस्त तरीके से साइंस पढ़ेंगे टेलीग्राम चैनल। और डेली 8 बजे ये क्लास होती है यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पे ही लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं अपने सेशन को एंड, थैंक यू जुड़ने के लिए। ये क्लास डेली 8 बजे देखे, और अभी 10:30 बजे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है।